तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोन पे में आप किस तरह से दो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, इसी के बारे में हम बात करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू, समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को आखिरी में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको अनलॉक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह आया तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आइए यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने की प्रक्रिया को सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप देखिए अच्छे से खुल चुका है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम बैंक अकाउंट लिंक सेकंड वाला क्यों करते हैं। जब हमारा जैसे होता क्या है, हमारा दो जैसे बैंक अकाउंट होता है, जैसे दो बैंक में, जैसे यूको बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, तरह तरह के बैंक में, तो हमको लिंक करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे होता है ना, मान लीजिए आपके यूको बैंक में, मतलब एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, यूको बैंक में दूसरा मोबाइल नंबर पड़ा है और स्टेट बैंक में दूसरा पड़ा है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, मतलब आपके फोन में दो सिम तो लगती ही है, तो दो मतलब वो सिम लिंकिंग वाली है, जो आपके बैंक से लिंक है ना, इसी फोन में होना चाहिए, तभी लिंक होगी दोस्तों। इस बात का ख्याल रखिएगा। यदि सेम नंबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि अलग अलग होगा तो दोनों सिम इसी में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इतना कुछ करने के बाद, यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए नीचे है माई मनी पर, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाता है, इस बैंक अकाउंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने तीन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है, एक और ऐड करने जा रहा हूँ, तो सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपका कौन सा बैंक है यहाँ पे सर्च कर लीजिए, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरा यूको बैंक है, तो यूको सर्च कर दिया, उस पर क्लिक कर देंगे। जो आपका बैंक हो उस पर, जो नया वाला ऐड करने जा रहे हैं उसको सर्च करके क्लिक कर दीजिएगा। देखिए मेरा डायरेक्टली ऐड हो गया, क्योंकि मैं पहले से ना यहाँ पे UPI मतलब यूज करता हूँ इस भी बैंक का, तो आसानी से ऐड होगा हो गया। यदि आप पहली बार यूज करेंगे इसका UPI, यदि पहले से कर रहे होंगे तो हो जाएगा आसानी से, नहीं तो या फिर फर्स्ट बार करने जाएंगे तो आपसे थोड़ा ATM कार्ड का डिटेल्स वगैरह लेगा, तो आप फिल कर लीजिएगा, OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगा और अपने ATM कार्ड का 6 लास्ट डिजिट का नंबर वगैरह यहाँ पे आपको भर के यहाँ पे UPI बनाना होता है। तो ATM कार्ड का डिटेल्स शेयर करेगा आपको यहाँ पे, क्या करना होगा उसके बाद आपको अपना OTP वगैरह आएगा, वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद फोन पे में आपका अकाउंट यहाँ पे सेकंड वाला दूसरा अकाउंट, दो अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपका वीडियो काफी पसंद आई होगी, दो अकाउंट लिंक करने वाला प्रोसेस आप सीख गए होंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।